नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आप लोग देखते हैं कि हमेशा पुलिस सुधार की बात चलती रहती है। आप देखते हैं कि आए दिन चर्चा में भी बना रहता है कि पुलिस सुधार होना चाहिए। तो यह आर्टिकल आपका उसी से संबंधित लिखा गया है, पुलिस सुधार और न्यायिक समर्थन की आवश्यकता। तो बात करेंगे इसमें कि आखिर किस संदर्भ में अभी फिर से चर्चा में आया हुआ है, और राज्य सूची का विषय है आपका पुलिस सुधार, इस पर भी बात करेंगे। पुलिस सुधार की आवश्यकता आखिर क्यों की जा रही है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पुलिस सुधार के लिए विभिन्न आयोग व समितियां, इनको आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। ये आपका प्रीलिम्स में पूछ सकता है, और आप आंसर राइटिंग जब करेंगी तो उसमें डालने के लिए भी ये जरूरी रहेंगी। फिर मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के बारे में बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय क्या है, उस पर भी बात करेंगे। पुलिस सुधार के प्रति राज्यों में गंभीरता का अभाव किस तरह है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आवश्यक है कि न्यायालय का सहयोग, उस पर भी बात करेंगे। पुलिस को नागरिकों के प्रति जवाबदेही बनाने की जरूरत है, कैसे है आके, इस पर भी बात करेंगे। वैसे आप जानते हैं कि हर पुलिस खराब नहीं होती है। देखिए, काफी हद तक पुलिस अच्छा काम करती है, लेकिन आप कहते हैं ना कि वो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, जो भी आपकी कहावत हो। क्योंकि आपने देखा है कोरोना महामारी के इस दौर में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कई जगह, और कई जगह आपने देखा है पुलिस ने लाठियां बरसाई, उल्टा सीधा पिटाई दी गरीबों को, इस तरह से तो ये गलत भी है। तो हम बात करते हैं कि हाल ही में अभी तमिलनाडु पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए दो व्यक्तियों की मृत्यु और यातना की घटना ने भारत की विकसित होती आपराधिक न्याय प्रणाली की ओर इशारा करते हुए देश में पुलिस सुधार की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा है तमिलनाडु में किस तरह से दो व्यापारी यानी कि बाप बेटी की किस तरह से पिटाई की गई, आखिर किस तरह से वो मर चुके हैं, यानी कि उनका निर्धन हो गया, मृत्यु हो गई। तो उसी पर बात की जा रही है। और वैसे भी आप अपने दिनचर्या में भी देखते हैं कि पुलिस तक जाने से हर नागरिक डरता है, जिसे हम अपना रक्षक समझ रहे हैं वही भक्षक बन बैठता है, और व्यक्ति पुलिस थाने में जाने की बजाय घर में ही रहना पसंद करता है। आपने देखा होगा कि आपके देश में इतने क्राइम होते हैं, हर की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। किस लिए नहीं लिखी जाती? इसी कारण, क्योंकि वो पुलिस से पर भरोसा ही नहीं है उन्हें। एक समय आप समझ सकते हैं कि नेताओं पर भरोसा नहीं था, आज वही हाल पुलिस वालों का हो चुका है। ठीक है, पुलिस व्यवस्था में सुधार के साथ ही न्यायिक प्रक्रियाओं के उचित उपयोग का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि रिमांड के संदर्भ में याचिका स्वीकार करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी उसकी प्रासंगिकता पर विचार नहीं करते हैं, और वे पुलिस के पक्ष पर अति विश्वास से प्रभावित होते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि अभी इन दोनों बाप बेटे को बहुत बुरी तरह से पीटा भी गया, आपने फोटो भी देखी होंगी, कई वीडियो भी देखे होंगे इस पर। उसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी के पास इन्हें ले जाया गया, तो वहां भी कोई न्याय ना देकर इन्हें रिमांड पर दे दिया गया पुलिस के। और इस बात को आप भी भली भांति समझते हैं कि जब पुलिस की बात आने लगती है तो आपके दिमाग में एक नकारात्मक भाव उभरने लगता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी को भी दाना है, किसी को क्या करना है। अगर आपकी पुलिस में अच्छी फैट है तो आप किसी भी तरह से बदला ले सकते हैं, किसी से भी, किसी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट भी लिख सकती है, उसके खिलाफ झूठा सबूत भी पेश हो सकता है। सब व्यवस्था हमारी इंडिया में होती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका पुलिस है, ये राज्य सूची का विषय है, संविधान के अंतर्गत पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसलिए भारत के प्रत्येक राज्य के पास अपना एक पुलिस बल है। राज्यों की सहायता के लिए केंद्र का की भी पुलिस बलों के रख रखाव की अनुमति दी गई है, ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित की जा सके। दरअसल पुलिस बल राज्य द्वारा अधिकार प्रदत्त व्यक्तियों का एक निकाय है, जो राज्य द्वारा निर्मित कानून के लागू करने, संपत्ति की रक्षा और नागरिक अर्थव्यवस्था अव्यवस्था को सीमित रखने का कार्य करता है। पुलिस को प्रदान की गई शक्तियों में बल का वैध उपयोग करना भी आपका शामिल है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि आपकी तीन सूची होती है, सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां दी गई, एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी संवर्ती सूची। तो जो संघ सूची की है, इस पर केंद्र सरकार आपकी कानून बनाती है, राज्य सूची पर आपकी राज्य सरकार, और जो आपकी संवर्ती सूची में विषय शामिल किए गए उन पर दोनों कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों में मतभेद है तो आपका जो केंद्र सरकार है इसके कानून को मान्यता दी गई है, ठीक है, इसका कानून शक्तिशाली समझा जाएगा। अब बात करते हैं पुलिस सुधार की आवश्यकता आखिर क्यों है। देश के अधिकांश
राज्यों में पुलिस की छवि तानाशाही पूर्ण, जनता के साथ मित्रवत ना होना, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने की रही है। रोज ऐसे अनेक किस्से सुनने, पढ़ने और देखने को हमें मिलते हैं जिसमें पुलिस द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। पुलिस का नाम लेते ही पितावना, पिताड़ना, कुर्दा, अमानवीय व्यवहार, रौब, उगाही, रिश्वत आदि जैसे शब्द दिमाग में कौन जाते हैं? आपसे आप लोग हमेशा याद रखिए कि आपने देखा होगा कि आपके अगर दिमाग में दो शब्द आए, एक आर्मी और एक पुलिस, तो आप बेझिझक आर्मी वाले जवान पर भरोसा करना पसंद करेंगे। आपको कहिए कि अगर सिक्योरिटी की बात कर दी जाए तो 50 पुलिस वाले आप पर आप भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन एक आर्मी वाले पर आप भरोसा करेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि आर्मी वालों की हमारे मतलब उन्हें हम ईमानदार, देशभक्त और पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं उन पर, लेकिन इन पर आपके दिमाग में भरोसा की बात आएगी तुरंत आप भरोसा नहीं करेंगे इन पर। समझ रहे हैं? चाहे वो कितने भी पुलिस वाले ईमानदार ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिमाग में जो एक कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में जो सेट हो जाता है मुश्किल से निकाल पाते हैं उसे। अब आप भी देखते हैं कई पुलिस वाले ईमानदार भी हैं, और आप भी देखते रहते हैं कि टीवी चैनलों पर देखते रहते हैं, समाचारों में भी देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में वो एक नकारात्मक सोच है उनके प्रति वो बनी रहेगी। भारत के अधिकांश राज्य अपने पुलिस संबंधी कानून ब्रिटिश काल के पुलिस अधिनियम 1861 के आधार पर बनाए हैं, जिसके कारण ये सभी कानून भारत की मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। अब आप वही हाल है कि 1861 का कानून अभी भी हम लोग लागू किए हुए हैं, और कब आ चुके हैं, 21वीं सदी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो जो ब्रिटिश कानून बना के गए हुए थे उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसे बदला भी नहीं गया है अभी तक। विदित है कि मौजूदा दौर में गुणवत्तापूर्ण जांच के लिए नवीन तकनीकी क्षमताओं की आवश्यकता होती है, किंतु भारतीय पुलिस व्यवस्था में आवश्यक तकनीक के अभाव में सही ढंग से जांच संभव नहीं हो पाती है, और कभी कभी इसका असर उचित न्याय मिलने की प्रक्रिया पर भी पड़ता है। भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात काफी कम है, जिसके कारण लोग असुरक्षित महसूस करते हैं और पुलिस को मानव संसाधन की कमी से जूझना भी पड़ता है। पुलिस सुधार के लिए विभिन्न आयोग व समितियों की बात करें अगर हम लोग, तो धर्मवीर आयोग, इसमें बात करते हैं राष्ट्रीय पुलिस आयोग से भी बोलते हैं आप लोग, वर्ष 1977 में पुलिस सुधारों को केंद्र में रखकर जनता पार्टी की सरकार द्वारा श्री धर्मवीर साहब की अध्यक्षता में गठित इस आयोग को राष्ट्रीय पुलिस आयोग कहा जाता है। 4 वर्षों में इस आयोग ने केंद्र सरकार को 8 रिपोर्टें सौंपी थी, लेकिन इसकी सिफारिश पर अमल नहीं किया गया है। धर्मवीर आयोग की प्रमुख सिफारिशों में इस प्रकार है, प्रत्येक राज्य में एक प्रदेश सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, जांच आयोग को शांति व्यवस्था संबंधी कामकाज से अलग किया जाएगा, पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए, पुलिस प्रमुख का कार्यकाल तय किया जाए, एक नया पुलिस अधिनियम बनाया जाए। ये आपकी धर्मवीर आयोग की सिफारिश थी, इसे आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। अगर आप आंसर राइटिंग में इसका प्रयोग कर लेंगे और इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हैं कि बनेंगे, मुझे लगता है कि हमेशा पूछे जाएंगे, अगर आप इन्हें डाल देंगे इसमें तो आपका प्रभाव पूर्ण हो जाएगा, एक अच्छा आंसर हो जाएगा। फिर आपने सुना होगा पद्मनाभैया समिति, वर्ष 2000 सन 2000 में पुलिस सुधारों पर पद्मनाभैया समिति का गठन किया गया था। इस समिति का मुख्य कार्य पुलिस बल की भर्ती प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, पुलिस अधिकारियों के व्यवहार, पुलिस जांच आदि विषयों का अध्ययन करना था। अन्य समितियों की बात करें तो वर्ष 1997 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त ने देश के सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को एक पत्र लिखकर पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें भेजी थी। देश में आपातकाल के दौरान हुई ज्यादातियों की जांच के लिए गठित सहायक ने भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने की बात कही थी। इसके अलावा राज्य स्तर पर गठित कई पुलिस आयोगों ने भी पुलिस को बाहरी दबावों से बचाने की सिफारिश की थी। इन समितियों ने राज्यों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और महिला कांस्टेबलों की भर्ती करने की भी सिफारिश की थी, क्योंकि आप देखते हैं कि पुलिस बलों की संख्या में हमेशा कमी देखी जाती है, जितनी जरूरत है उस हिसाब से नहीं रहती है। एक आपने पुलिस एक्ट 2006, वर्ष 2006 में
सोली सोराबजी समिति ने मॉडल पुलिस अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था, लेकिन केंद्र या राज्य सरकारों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। विदित है कि गृह मंत्रालय ने 20 सितंबर 2005 को विधि विशेषज्ञ सोली सोली सोराबजी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने 30 अक्टूबर 2006 को मॉडल पुलिस एक्ट 2006 का प्रारूप केंद्र सरकार को सौंपा था। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय क्या रहा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। जब किसी भी आयोग और समिति की रिपोर्ट पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, तो उत्तर प्रदेश व असम में पुलिस प्रमुख और सीमा सुरक्षा बल की महानिदेशक रही प्रकाश सिंह ने वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करी। अप्रैल की अपील की कि सभी राज्यों को पुलिस राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने के निर्देश दिए जाएं। इस याचिका पर एक दशक तक चली सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कई आयोगों की सिफारिशों का अध्ययन कर आखिर में आपका 20 सितंबर 2006 को पुलिस सुधारों पर निर्णय देते हुए राज्यों और केंद्र के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो इनमें पुलिस पर राज्य सरकार का प्रभाव कम करने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करें, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल तय करने और जांच और कानून व्यवस्था की बहाली का जिम्मा अलग अलग पुलिस इकाइयों को सौंपने और सेवा संबंधी तमाम मामलों पर फैसले के लिए एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन करने और पुलिस अफसरों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करने जैसे दिशा निर्देश शामिल हैं। केंद्र को निर्देश, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को केंद्रीय पुलिस बलों में नियुक्तियों और कर्मचारियों के लिए बनने वाले कल्याण योजनाओं की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था, लेकिन अब इसका गठन नहीं हो सका। पुलिस सुधारों की अगर किसी राज्यों में गंभीरता की अगर हम लोग अभाव की बात करें, तो विदित है कि राज्य सरकार कई बार पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग भी करते हैं, कभी अपने राजनीतिक विरोधियों से निपटने के लिए तो कभी अपने किसी नाकामी की को छुपाने के लिए। संभवतः यही मुख्य कारण है कि राज्य सरकारें पुलिस सुधार के लिए तैयार नहीं है। सरकारें पुलिस सुधार के लिए कितनी संजीदा है यह इस बात से समझा जा सकता है कि वर्ष 2017 में जब गृह मंत्रालय ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 153वीं अति महत्वपूर्ण सिफारिशों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया, जिनमें पुलिस सुधार पर चिंतन मनन होना था, तो इस सम्मेलन में अधिकतर मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहे। क्या रहे? अधिकतर मुख्यमंत्री इसमें उपस्थित ही नहीं हुए। पुलिस सुधार के एजेंडे में जांच व पूछताछ के तौर तरीके, जांच विभाग को विधि व्यवस्था के विभाग से अलग करने, महिलाओं की 33% भागीदारी के अलावा पुलिस की निरंकुशता की जांच के लिए विभाग बनाने पर भी चर्चा की जानी थी। आज भी ज्यादातर राज्य सरकार पुलिस सुधार के मसले पर अपना रुख स्पष्ट करने को तैयार नहीं है। आनाकानी पुलिस सुधार को लेकर उनकी बेरुखी को ही दर्शाती है। अब आवश्यक है न्यायालय का सहयोग। तमिलनाडु में व्यापारियों की पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु से यह स्पष्ट है कि न्यायिक दंडाधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनुभाई रतिलाल पटेल बनाम गुजरात सरकार के मामले में दी गई व्यवस्था के उलट काम किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि रिमांड या उसकी समावधि तय करते समय दंडाधिकारी न्यायिक कार्य का निर्वहन करता है। एक अभियुक्त की रिमांड पर निर्देश देना मौलिक रूप से एक न्यायिक कार्य है। दंडाधिकारी एक अभियुक्त को हिरासत में रखने का आदेश देते समय कार्यकारी क्षमता में कार्य नहीं करता है। इस न्यायिक कार्य के दौरान दंडाधिकारी का स्वयं इस पर संतुष्ट होना अनिवार्य है। क्या उसके समक्ष रखे गए तथ्य इस तरह की रिमांड के लिए आवश्यक हैं, या फिर इसे अलग तरीके से देखा जाना चाहिए? भले ही अभियुक्त की को हिरासत में रखने और उनकी रिमांड बनाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 167 के अनुसार अपेक्षित रिमांड का उद्देश्य यह है कि जांच 24 घंटे की निर्धारित समावधि में पूरी नहीं की जा सकती है। यह दंडाधिकारी को इस तथ्य का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है क्या रिमांड वास्तव में आवश्यक है, या फिर दंडाधिकारी के लिए अनिवार्य है कि रिमांड देते समय वह अपने विवेक का इस्तेमाल करे, ना कि सिर्फ यांत्रिक रूप से रिमांड के आदेश को पारित करे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए आवश्यक है कि वह अधीनस्थ
न्यायालयों में होने वाली इस तरह की खामियों के मुद्दे को सुलझाए और उनकी जवाबदेही तय करे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को यह निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि हिरासत में किसी अभियुक्त को चोट लगने या फिर उसकी मृत्यु का उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी पर डालने संबंधी 10वें विधि आयोग की सिफारिशें के अनुरूप भारतीय साक्ष्य के अधिनियम में संशोधन जैसे उपयुक्त कदम उठाए। चूंकि पुलिस हिरासत में यातना के शिकार बनने वाले लोगों में अधिकांश समाज के आर्थिक या फिर सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित होते हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार संसद से अत्याचार निवारण विधेयक को पारित कराने की दिशा में कदम उठाए। पुलिस को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने की आखिर जरूरत की बात क्यों की जा रही है? पुलिस व्यवस्था को आज नई दिशा, नई सोच, नए आयाम की आवश्यकता है। समय की मांग है कि पुलिस नागरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक हो और समाज के सताए हुए तथा वंचित वंचित वर्ग के लोगों के प्रति संवेदनशील बने। देखने में आता है कि पुलिस प्रभावशाली व पैसे वालों वाले लोगों के प्रति नरम और आम जनता के प्रति सख्त रवैया अपनाती है, जिससे जनता का सहयोग प्राप्त करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ये तो आपने हर जगह देखा होगा, हर विभाग में, कि आप अगर पैसे वाले हैं तो आपके लिए स्पेशल लाइन बन जाती है। अक्सर आप लोग बैंक में भी देखते रहते हैं कि जब भी आप बैंक में किसी काम के लिए जाइए, जो बड़ा आदमी होगा, हैसियत में बड़ा, पैसे में बड़ा, तो वो बिना लाइन में लगे सीधा अंदर घुस जाता है। वो आप घंटों तक लाइन में लगते रहते हैं और बाद में मालूम चलता है कि सर्वर खराब हो चुके हैं, फिर ये हो चुका है, वो हो चुका है, यानी कि परेशान किया जाता है। तो इस तरह के सुधार तो होना चाहिए। आज देश का सामाजिक परिवेश पूरी तरह से बदल चुका है। हमें यह समझना होगा कि पुलिस सामाजिक रूप से नागरिकों की मित्र है और बिना उनके सहयोग से कानून व्यवस्था का पालन नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या समाज की भूमिका केवल मूक दर्शक बनकर रहकर प्रशासन पर टीका टिप्पणी करने या फिर कैंडल लाइट मार्च निकालकर या फिर सोशल साइट पर अपना विचार व्यक्त करने तक ही सीमित है? प्रत्येक समाज को नीति निर्माताओं पर इस बात के लिए दबाव डालना चाहिए कि उनके राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्रों में पुलिस सुधार को एक अनिवार्य मुद्दे के रूप में शामिल करें। लास्ट में हम कह सकते हैं कि हमारे सामने खराब पुलिस की नकारात्मक छवि ही आती है, जिससे उनके प्रति आमजन का भी अविश्वास और बढ़ जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में पुलिस की बल की शक्ति का आधार जनता का उसमें विश्वास है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पुलिस के बारे में अगर आपको आगे बढ़ने की बात सोचनी चाहिए, प्रगतिशील देखना चाहिए, तो उसमें आपको जांच लेना चाहिए कि जनता कितना भरोसा करती है। अगर आपको किसी राज्य की पुलिस के बारे में जानना है और जानना है कि कितनी अच्छी पुलिस है, तो जनता के विश्वास को देखना चाहिए कि जनता का विश्वास क्या है अपनी पुलिस के प्रति। यदि यह नहीं है तो समाज के लिए घातक है। पुलिस में संस्थागत सुधार की वह कुंजी है जिससे कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। सभी तरह के गैर कानूनी कार्यों पर नकेल कसी जा सकती है। तो ये कहानी थी आपकी पुलिस सुधार विभाग की, ठीक है।